Hi everyone and welcome back to the channel. I know you guys are not used to seeing me like this, but it's time for me to step out of my comfort zone and I think it's time for you too. बहुत हो गया, अब बहुत बार सोच लिया कि क्या करना है, नहीं करना है, कब तक करना है, होगा नहीं होगा. I think it's time to give up all the excuses. Like I have given up the excuse of not being able to face the camera. You should too. You should come out in the open and accept कि CAT देना है या नहीं देना. And अगर देना है तो देन यू नीड अ प्रेपरेशन प्लान एंड इन दिस वीडियो वी आर जस्ट गोइंग टू डिस्कस दैट. अभी आप में से बहुत सारे लोग आके बोलेंगे कि आपने तो कर लिया क्योंकि आप अबव एवरेज थे, लेकिन हम तो हमेशा से एवरेज रहे हैं. सो लेट मी टेल यू कि एवरेज इज जस्ट अ माइंड सेट, इज नॉट अ परपेचुअल थिंग. मैंने आई एम अहमदाबाद में मेहनत नहीं की थी, मेरे अकेडमिक्स में बहुत ही एवरेज मार्क्स थे, पर ट्वेल्थ में की थी और अंडरग्रेड में भी की थी तो तब अबव एवरेज मार्क्स थे. डज दैट मीन कि मैं एवरेज हूँ कि मैं अबव एवरेज हूँ? इट्स नेवर अ परपेचुअल थिंग, इट्स जस्ट अ पॉइंट इन टाइम. मेहनत करना शुरू कर दोगे तो अबव एवरेज हो जाओगे, बंद कर दोगे तो फिर से एवरेज हो जाओगे. इट्स एज सिंपल एज दैट. तो अगर आपको लग रहा है कि आप एवरेज हो या कभी उतने मार्क्स ही नहीं आए इसलिए नहीं कर सकते हो, तो दैट्स अनदर एक्सक्यूज. सेम वे बहुत सारे लोग सोचेंगे कि जनवरी इज द राइट टाइम टू स्टार्ट, राइट? लेकिन मैं तो लेट हो गया हूँ, सो देयर इज नॉट इनफ टाइम. अनदर एक्सक्यूज. लोग करते हैं यार, चार महीने में भी करते हैं. चार महीने बेसिक्स कवर करने के लिए मोर देन सफिशियंट होते हैं एंड आई टेल यू व्हाई, आई गिव यू अ प्लान. बट एट द सेम टाइम सबसे पहला काम है एक्सक्यूजेस को साइड पे रखना एंड माइंडसेट बनाना कि करना है. बन गया माइंडसेट, आगे चले. सो बेसिकली 3 to 4 months का जर्नी है एंड जर्नी को तय करने से पहले पता होना चाहिए कि डेस्टिनेशन क्या है. एंड हेयर आई डोंट मीन कि आई एम अहमदाबाद जाना है या बैंगलोर जाना है. यू नीड टू नो व्हाट इज़ द एंटायर सिलेबस, वेयर डू यू वांट टू बी एट द एंड ऑफ 3 or 4 months. कितना कवर करना है इज द क्वेश्चन. मैप तो करो पहले सिलेबस. तो वो कैसे होता है, एक पेन और पेपर ले लो एंड राइट डाउन कि कितने चैप्टर्स हैं इन कॉन्स, इन DILR, इन वर्बल एबिलिटी. VARC के अंडर 70% तो आपके RCs ही हैं, तो उस पे फोकस करो. 3 महीने में हर दिन कम से कम 2 से 3 RC सॉल्व करो एंड उसके बाद पिकअप करना कोई भी सिलेबस जो वर्बल एबिलिटी का पार्ट है. सिमिलरली DILR के अंदर 12 से 15 कन्वेंशनल टाइप्स हैं. कन्वेंशनल मतलब जो इन जनरल हमें पता है, फॉर एग्जाम्पल सीटिंग अरेंजमेंट्स, टेबल्स, पाई चार्ट्स. अनकन्वेंशनल मतलब जब कोई DI और LR का सेट मिक्स करके पेपर में आ जाता है, जैसे कि CAT के पेपर में जनरली आता है, दैट्स अनकन्वेंशनल. अब हम तो प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि अनकन्वेंशनल टाइप क्या आएगी. अब जो एग्जामिनर के मन में आ गया उसने डाल दिया, बट एट द सेम टाइम हम ये तो सोच सकते हैं ना कि कन्वेंशनल टाइप कौन सी है, उसके साथ तो फेमिलियर हो सकता है. सो देन द फर्स्ट स्टेप इज कि 1 या 2 महीने ज़्यादा से ज़्यादा लगाओ टू गेट कम्फर्टेबल विद द आइडिया कि फेमिलियर टाइप्स कौन सी हैं. अब उसके लिए क्या करना है कि जैसे कि 12 टू 15 टाइप्स हैं DILR के अंडर, तो सबके 3 से 4 सेट सॉल्व करने स्टार्ट कर दो. मिनिमम मैक्सिमम 8 से 12, 15, अगर बहुत अच्छा लगता है तो जितना मन करता है उतना सॉल्व कर लो, बट मैक्सिमम 1 से 2 महीने के अंदर अंदर यू शुड गेट सो कम्फर्टेबल कि अगर कभी भी किसी भी एग्जाम का क्वेश्चन उठाओ एंड उसका पैटर्न देख के लगे कि ये तो सीटिंग अरेंजमेंट लग रहा है, तो पता होना चाहिए कि वो सीटिंग अरेंजमेंट है या नहीं. अब ये क्यों चाहिए है, क्योंकि जब इवेंचुअली CAT का एग्जाम दोगे तब फेमिलियरिटी इज द फर्स्ट थिंग जिसके बेसिस पे आप सेट पिक करते हो. जैसे कि मुझे सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस बहुत अच्छे लगते थे, इसीलिए आई एम गिविंग एग्जांपल अगेन एंड अगेन. तो जब भी पेपर में सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन आता था, दैट यूज टू बी माई फेवरेट पिक. अब वो कितना भी डिफिकल्ट आ जाए, माई अटेम्प्ट वुड ऑलवेज बी दैट. डिफिकल्ट होता था तो मैं 2-3 मिनट के बाद स्किप कर देती थी, बट हमेशा स्टार्ट उसी से ही करती थी. सो यू नीड टू आइडेंटिफाई ईच एंड एवरी टाइप ताकि एग्जाम में आप उसको अच्छे से पिक कर पाओ. बिफोर मूविंग ऑन टू क्वांट, आई जस्ट वॉन्टेड टू इन्फॉर्म इससे पहले कि मुझे भूल जाए कि जो लोग कोचिंग लेना चाह रहे हैं एंड दे आर कंसिडरिंग अन अकेडमी एज एन ऑप्शन और दे हैव सॉर्ट ऑफ फाइनलाइज्ड इट, उनके लिए 16th of March इज द लास्ट डेट जब 20% ऑफ वाला स्कीम चल रहा है. सो इनकेस someone still wants to avail it, it's called unlock 20. I'll put my code in the description. It's called non-engineer 10. You can use it to avail 20% off on the subscription plan, but that's only valid till 16th, which is why I wanted to make sure that I put it in this video for you all to remember. Moving on to quants ka syllabus now. So quants mein there are 24 se 25 chapters aur unko cover karne ke liye you only need 24 to 25 weeks.
But some chapters might take lower and some chapters might take more days. For example, binomials or trigonometry ke liye, you don't need so many days in a week. You only need a couple. But same cheez agar aapko number system ya geometry ke liye karni hai, you need maybe 2 weeks or sometimes even 3 weeks. To aapko us hisab se manage karna hai ki essentially ek hafte mein ek chapter, but might vary a little bit. To quant ka syllabus agar you are comfortable, to 4 mahine mein ho jayega, nahi to zyada se zyada 5 mahine में हो जाएगा और वर्स्ट केस अभी शुरू करोगे तो 6 महीने में हो जाएगा. सो आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो ऑन 16th of March, बट यू माइट एंड अप वॉचिंग इट समवेयर अराउंड 20th, एंड दैट्स ओके बिकॉज स्टिल यू विल हैव अबाउट 4 months टू कवर दिस सिलेबस यूजिंग द प्लान आई एम अबाउट टू शेयर. तो कैसे लगेगा वो प्लान? 20th of April, यानी कि आज से 1 महीने बाद आपको अपना DILR का सिलेबस खत्म करना है. एंड बाय खत्म करना है आई मीन फेमिलियर होना है विद द टाइप्स. फॉर क्वांट द टाइम लाइन लुक समथिंग लाइक दिस कि 20th of July, यानी कि आज से 4 महीने बाद तक आपके बेसिक्स कम्प्लीटली कवर हो जाने चाहिए. वर्बल एबिलिटी के लिए देर इज़ नो फिक्स्ड डेट बिकॉज आप रोज़ 2 से 3 कॉम्प्रीहेंशन या इवन ज़्यादा सॉल्व करोगे तो तब जा करके जुलाई तक जा करके आपका एबिलिटी डेवलप होगा दैट यू आर एबल टू इम्प्रूव योर स्कोर्स गोइंग फर्दर. तो एसेंशली द प्लान इज 20th of April और मैक्सिमम 20th of May तक DILR एंड जुलाई 20th तक क्वांट्स एज वेल एज वर्बल एंड यू विल बी डन विद योर बेसिक्स. अगर स्टिल लग रहा है कि कोई ऐसा डाउट है जो नहीं क्लियर है कि हो पाएगा नहीं हो पाएगा तो फील फ्री टू आस्क. आई हैव एम्पल एग्जाम्पल्स विद मी ऑफ माई बैचमेट्स एंड मेनी अदर पीपल हु प्रिपेयर्ड इन अ मैटर ऑफ अ फ्यू मंथ्स. दे स्टार्टेड इन ऑगस्ट एंड दे वर एबल टू डू. एंड अगर अभी भी लग रहा है कि वो तो अबव एवरेज थे तो दोबारा से रिवाइंड करके स्टार्टिंग वाला पोर्शन देख लेना. Nobody is really above average. It's all about putting in the work. नहीं करना है तो वैसे ही बोल दो ना यार, excuse क्यों बना रहे हो. वैसे ही बोल दो कि नहीं कर सकते हो, और कर सकते हो तो फिर जुट जाओ, फिर कर लो. फिर ये क्यों कहना है कि मैं तो एवरेज हूँ. सो प्लीज़ डोंट गिव मी दिस एक्सक्यूज कि आप एवरेज हो इसलिए नहीं कर सकते हो, आप हार्ड वर्किंग नहीं हो इसलिए नहीं कर सकते हो. और अगर कर सकते हो तो एक्सेप्ट कर लो कि हार्ड वर्क करोगे और कर लोगे. So hope that makes sense, and I know that this is the first time I'm recording it, so thank you for being patient, thank you for bearing me, and if there's any feedback feel free to give it in the comments. Thank you for watching this.